हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विकास और स्वागत है आपका आज के एक नए व्लॉग में, एक नई दिन की शुरुआत के साथ। वीके व्लॉग्स VK01 पे डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। गाइस, अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और आज हम जा रहे हैं चितई मंदिर और काफी सरप्राइजिंग होने वाला है आज का व्लॉग। तो दोस्तों, इस दिन का काफी टाइम से मुझे वेट था यार, काफी दिन से इंतजार कर रहा था मैं इस दिन का, और वो दिन फाइनली आ चुका है। तो दोस्तों, आज का जो सरप्राइज है अब मैं थोड़ी देर में आपके साथ रिवील करने वाला हूँ। गाइस, ये है वो सरप्राइज। तो गाइज, यही था वो सरप्राइज जो मैं आपके साथ रिवील करने वाला था। गाइज, आज के व्लॉग में मेरे साथ है यहाँ पर अर्जुन, इसको तो पहले आप सभी व्लॉग्स में देख चुके हैं। ये है ममता कुलकर्णी की छोटी बहन संगीता, और ये है, ये पता नहीं कौन है गाइज, इनको मैं नहीं जानता। तो गाइज आज हम जा रहे हैं चितई मंदिर, जो कि यहाँ पर से मेरे घर से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो मंदिर जो है गोलजू का मंदिर है, गोलू देवता, जो कि पहाड़ों में काफी पूजे जाते हैं, काफी माने जाते हैं। अभी जा रहे हैं मंदिर और वहाँ पर थोड़ा बहुत हमने गाड़ी की पूजा वगैरह भी करवानी है। तो मिलते हैं दोस्तों मंदिर में, बाय बाय। आ गए हैं यहाँ पर मंदिर और यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रसाद और अभी जाएंगे थोड़ी देर में मंदिर की तरफ। तो अब हम मंदिर के लिए थाली बना रहे हैं जिसमें हर तरह का सामान आता है। तो दोस्तों, यह है थाली, यह है माता की चुनरी, यह है नारियल, यह है अगरबत्ती, यह है थोड़ा सा तेल जिसे अंदर दिए में चढ़ाएंगे, और इसमें यह है खिचड़ी। तो कहते हैं खिचड़ी इसमें मांस और चावल होते हैं, और यह है बतासे, सब एक्सप्लोर करेंगे। चावल लाल टीका और पीला टीका। तो गाइस, फाइनली हम एंटर हो चुके हैं यहाँ पर चितई मंदिर में, और यहाँ पर का जो है काफी अच्छा है यार यहाँ पर।
काफी भीड़ लगे रहती थी यार, आजकल थोड़ा सीजन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कम भीड़ है, पर लोग यहाँ पर काफी आते रहते हैं यार घूमने, बड़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं। हम ही को देख लो हम कितनी दूर से आए यहाँ पे, 12 किलोमीटर दूर से, 12 किलोमीटर बहुत है, 20 मिनट लगे हैं भाई 20 मिनट। दोस्तों यहाँ पर जो आप चिट्ठियाँ देख रहे हैं लटकी हुई जो चिट्ठियाँ हैं यहाँ पर ये चिट्ठियाँ ही नहीं, लोगों का प्यार है यार, लोगों का जो यहाँ पर जो लोगों की मनोकामनाएं हैं वो लिखी जाती हैं यहाँ पर, लोग यहाँ पर अपनी जो भी उनके मन की मनोकामनाएं होती है वो सब इन चिट्ठियों के द्वारा यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि गुरुजी महाराज जो हैं सुन लेते हैं उनकी बातें और फिर उनको पूरा करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस मंदिर की मान्यता यही है कि यहाँ पर लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है तो अपनी खुशी से फिर यहाँ पर वो घंटियाँ चढ़ाते हैं। यहाँ पर कम से कम दोस्तों लाखों संख्या में यहाँ पर जो है घंटियाँ हैं, यहाँ पर काफी थोड़ा बहुत यहीं पर ही जो घंटियाँ हैं थोड़ा यहाँ पर लटकी हुई हैं और जो थोड़ा बहुत घंटियाँ हैं यहाँ पर वो हैं गोदाम में भी रखी हुई हैं। तो दोस्तों लोगों का प्रेम आप देख सकते हैं इस मंदिर के लिए, ये भगवान जी जो हैं यहाँ पर गुलजू देवता उनको काफी माना जाता है यहाँ पर, और वो जो गुलजू देवता हैं यहाँ के वो न्याय के देवता माने जाते हैं, तो दोस्तों इसीलिए लोग यहाँ पर चिट्ठियाँ चढ़ाते हैं। ये रही अपनी गाड़ी, अभी पूजा पाठ हमने करवा लिया है, अब हम इसमें बांधेंगे यहाँ पर रक्षा धागा। गाइस हमने गाड़ी की पूजा भी करवा ली है, अब हम यहाँ से जाएंगे दूसरे मंदिर जो चितई गोलू का दूसरा मंदिर है यहाँ पर। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर दूसरा मंदिर जो कि गुलजू का ही मंदिर है। तो दोस्तों अगर हम नीचे वाले मंदिर में जाते हैं तो इस मंदिर में आना भी कंपलसरी होता है यहाँ पर। फाइनली हमने यहाँ मंदिर भी घूम लिया है और अब हम रवाना हो रहे हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस फाइनली हमने दोनों मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम रवाना हो रहे हैं अपने घर की तरफ। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। जो यो वीडियो बढ़ू ना, यह चैनल बहुत अगिल बढ़ा दिया, पानी भी किस्तों में आ रहा है किस्तों में।